हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डिवाइस में कॉल सेटिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको स्मार्ट कॉल सेटिंग्स बताने वाला हूँ इस फ़ोन की। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें ऑटो आंसर कैसे करना है, फ्लिप टू म्यूट कैसे करना है, या फिर यहाँ पर आपको और भी स्मार्ट कॉल सेटिंग बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रोल कर लेना है नीचे की ओर, और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है गेस्चर एंड मोशन, तो इस मोशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शन बाई दफ़े आपके फ़ोन में ऑफ मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर तीनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पर काम बताता हूँ तीनों का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ऑन करते हैं, तो इससे क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है तो यहाँ पर आपने कान के पास फ़ोन को किया तो डायरेक्टली ये ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है, बिना आपको रिसीव करे, बिना फ़ोन को यहाँ पर स्वाइप अप करे यहाँ पर आपका फ़ोन रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट, इस ऑप्शन को ऑन करने से क्या होता है, इसे ऑन कर लेते हैं तो आप यहाँ पर फ़ोन से बात कर रहे हैं, कान के पास फ़ोन लगा हुआ है आपका, और तो यहाँ पर कान के पास से जैसे ही फ़ोन को हटाया तो यहाँ पर ये आपका फ़ोन हैंड फ्री हो जाता है, और कान के पास फ़ोन किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्विच हो जाता है रिसीवर में। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ से इसे ऑन कर देंगे तो आपके पास कोई भी कॉल आ रही है और आपने फ़ोन को फटाक से फ्लिप कर दिया, तो फिर करने से आपका ये फ़ोन जो कॉल की रिंगटोन बज रही है वो म्यूट हो जाती है, तो इसे आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से इसे बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद अब आपको यहाँ पर डायलर पे जाना है, और डायलर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको कॉलर आई डी है जिस पर मिल जाता है इसे ऑन करना है, और यहाँ पर इसे बाई दफ़े आपके फ़ोन में ऑफ मिल सकती है तो इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने से क्या होता है, आपके पास कोई भी कॉल आती है किसी बिजनेस की या स्पैम कॉल आती है वो यहाँ पर आपको पता चल जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपके फ़ोन में मिल जाता है ब्लॉकेड नंबर। अगर आप किसी भी अननोन नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं, कोई भी आपके पास अननोन नंबर आए वो ब्लॉक लिस्ट में पहुँच जाए तो यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर ऐड ए फोन नंबर, कोई भी ब्लैक लिस्ट में नंबर डालना चाहते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपना नंबर डालना है, ऐड कर देना है, यहाँ पर डल जाता है। ब्लैक लिस्ट रिमूव करना है तो यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको मिलता है कॉलिंग अकाउंट, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो, यहाँ पर आंसर एंड एंड कॉल्स, तो आंसर एंड एंड कॉल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने से क्या होता है, आप अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर कोई भी ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन कनेक्ट है तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है बिना फ़ोन को छुए। यहाँ पर डिले ऑटो आंसर 5 सेकेंड हो रखा है, अगर आप यहाँ पर 3 सेकेंड में रिसीव करना चाहते हैं कॉल 3 सेकेंड हो सकती है, या फिर 10 सेकेंड भी कर सकते हैं, 10 सेकेंड भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर प्रेस पावर बटन एंड कॉल्स, इसे ऑन कर देंगे तो क्या होता है, अगर आपकी स्क्रीन ऑन है, पावर बटन को आपने प्रेस कर दिया तो यहाँ पर एंड कॉल हो जाती है, इसे ऑफ कर देंगे, ऑफ करेंगे तो आपके यहाँ पर ये कॉल एंड नहीं होती, कॉल कट नहीं होती है, बट यहाँ पर स्क्रीन ऑन पर होगी। ओके, और यहाँ पर यही ऑप्शन आपको बाय द वे आपके फ़ोन में ऑफ भी मिल सकता है या फिर ऑन भी कर सकते हैं आप। इससे क्या होता है, इस ऑप्शन से होता है कि अगर आपने कोई भी कॉल रिसीव की तो एकदम से आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा, कॉल कट की तब भी आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से इसे बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है मोर सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। इसे ऑन करने से क्या होता है, आपके पास कोई भी कॉल आती है, आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, फ़ोन आपका लॉक है, तो आपकी पीछे की साइड फ्लैश लाइट इस तरीके से ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है, तो फ्लैश लाइट आपकी इस तरीके से पीछे ब्लिंक करती है, पीछे की फ्लैश लाइट जो है आपकी ऑन ऑफ होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे सेटिंग्स पे जाते हैं दोबारा से, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले सेटिंग्स मिल जाती है, तो यहाँ पर ये है शॉर्ट फर्स्ट नेम और यहाँ पर, तो फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम या फिर सर नेम कर सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम आपका यहाँ पर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से आपको क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो क्विक रिस्पॉन्स पे जाना है, यहाँ पर आपके बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने आपके पास कोई भी कॉल आ रही है और आप एकदम से उसे रिसीव करना नहीं चाहते, एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि मैं आपको बाद में कॉल करूँगा या फिर मैं अभी कहीं इस मीटिंग में हूँ, तो वो मैसेज यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस मैसेज पर क्लिक करते हैं आई विल कॉल यू बैक लेटर, या फिर इसे कट करके आप कुछ दूसरा मैसेज भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस वाले मैसेज को यहाँ पर डिलीट करते हैं, तो जैसे कि मैं अभी कॉलेज में हूँ या फिर मीटिंग में हूँ। ओके, इस तरीके से जो भी आप हैं जहाँ भी हैं वो भी इस तरीके से आप यहाँ पर चार मैसेज यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स आपसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कॉलर आईडी
अनाउंसमेंट, इसे क्लिक करना है, अनाउंस इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे ऑन करना है। ओके, तो यहाँ पर ओनली वेन यूजिंग ए हेडफोन हेडसेट, मगर आपके फ़ोन में ब्लूटूथ या फिर हेडफोन कनेक्टेड, तो यहाँ पर आपका ये फ़ोन बता देगा कि आपके पास किसकी कॉल आ रही है, किस नेम से, मतलब अगर नंबर है सेव तो यहाँ पर नाम बता देता है। ऑलवेज कर देंगे तो हमेशा, चाहे ब्लूटूथ कनेक्ट हो या फिर हेडफोन कनेक्ट हो या फिर ना हो कनेक्ट, तब भी आपका यहाँ पर ये फ़ोन बता देता है कि आपके पास किसकी कॉल आ रही है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ये सेटिंग्स मिल जाती हैं। बाकी फ्लिप टू साइलेंट, तो यहाँ से इसे कर देंगे, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ़ोन को उल्टा कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, तो यहाँ पर आपका ये कॉल साइलेंट हो जाती है। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यहाँ पर इस फ़ोन की कॉल सेटिंग के बारे में, सॉरी यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कॉल रिकॉर्डिंग की वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।